एक्सरसाइज 13.6 क्वेश्चन नंबर 6। आपको हाइट गिवन है सिलेंड्रिकल वेसल की 1 मीटर, वॉल्यूम गिवन है 15.4 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। आप इसको डिवाइड करोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 15.4 डिवाइडेड बाय 1000, इट विल चेंज टू मीटर क्यूब 0.0154 मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम, एंड द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 रेडियस वी हैव टू फाइंड, हाइट इज 1 मीटर, 0.0154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.17/22, डेसिमल रिमूव करके आ गया 10,000। एक बार जरा क्लियरली लिख लिया करो ताकि कटिंग रॉन्ग ना हो जाए आपकी कैलकुलेशन। हाँ जी कर रहे हैं, कर रहे हैं। 7 से सीधा डिवाइड होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7/10,000, आर इज इक्वल टू 7/100, दैट इज 0.07। आप ऐसे भी ले सकते हो, यू कैन टेक इन फ्रैक्शन और यू कैन टेक इन डेसिमल फॉर्म। नाउ वी हैव टू गेट द Stop writing. We have to get the area of the sheet required to make this closed cylindrical tank. Means you have to get the total surface area, that is 2πrh+r. 22/7, radius is 7/100, height is 1, and radius is again 7/100, or you can take 0.07. ठीक है, 7 कैंसिल, 44/100 × 1.07 मल्टीप्लाई कर दो इसे एंड पुट द डेसिमल, 0.04708 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, जो पहले वाला किया हुआ था उसे कट कर देना और ये दोबारा कर लेना। जिसने पहले वाला फेयर नोटबुक पे किया है उसे कट कर दो। हैविश आप भी, इस साइड पे शिफ्ट हो। उस साइड पे कौन है, सेंटर वाली सीट किसकी है, कहाँ है? उसको बता देना, वो जो 6 क्वेश्चन है ना वो रॉन्ग है, दोबारा कर ले। उसने किया हुआ है नोटबुक, उसको बोलना कट करके दोबारा कर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 डन। लेंथ ऑफ पेंसिल इज गिवन, दैट इज हाइट ऑफ द पेंसिल। इनर डायमीटर 1 मिलीमीटर,
आउटर डायमीटर 7 मिलीमीटर. लुक हियर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. इसका मतलब मिलीमीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है देन सेंटीमीटर. तो मिलीमीटर से जब मीटर सेंटीमीटर में जाएंगे डिवाइड करेंगे, स्मॉल से जब लार्ज वाले में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, स्मॉल से जब लार्ज में जाते हैं डिवाइड करते हैं. अब आपकी मर्जी, आप इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो. इसको चेंज कर लो, ये सिंगल है, ये बन जाएगा 140 मिलीमीटर. अब देखो इधर, 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. अब इधर देखो जरा, एक पेंसिल है, पेंसिल के आपने देखा होगा पेंसिल के बीच में जो लेड होता है वो ग्रेफाइट का होता है. इसका मतलब जो लेड होता है, कभी आपने देखा हो कि बीच में जो लेड होता है ब्लैक कलर का इस तरह से, वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है, और इसके साइड पे वुड वाला मटेरियल होता है. जो वुड वाला मटेरियल होता है ना, वो हॉलो सिलेंडर का एग्जाम्पल है, जो सिर्फ वुड वाला मटेरियल है. जो पेंसिल का लेड होता है उसको साइड पे वुडन की कवरिंग दी होती है सारी साइड से. तो आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो ये जो लेड है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. जो लेड है वो सिलेंडर की शेप में है, उसका डायमीटर दे रखा है 1 मिलीमीटर और इसकी लेंथ है 140 मिलीमीटर. तो पहले आपने वॉल्यूम ऑफ लेड निकालना है. वॉल्यूम ऑफ लेड मीन्स जो ग्रेफाइट का है, दैट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. ये डायमीटर है तो रेडियस कितना आएगा, 1/2 मिलीमीटर. आप डेसिमल में नहीं लोगे, फ्रैक्शन में लोगे, 1/2 मिलीमीटर. ठीक है, तो यहाँ आएगा 22/7, रेडियस इज हाफ इंटू हाफ एंड हाइट इज 140 मिलीमीटर. ये मिलीमीटर में है सारा कुछ. वॉल्यूम फाइंड कर रहे हो तो इट विल बी इन, ये देखो ना, ये भी मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर, ये भी, तो क्या बन गया, मिलीमीटर क्यूब. शब्द ध्यान कहाँ है, सुन रहा हूँ. पिक्चर कभी ऐसे देखी है थिएटर में, तब तो स्क्रीन से नजर नहीं हटती. कहता सुन रहा हूं. हाँ जी, इसको डिवाइड कर लो 7 बन जा, आवाज बंद करो इधर से. 20 ये आ गया, 10 ये आ गया, 5, 110 मिलीमीटर क्यूब. ये आ गया वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. ये जो ग्रेफाइट मटेरियल है उसका वॉल्यूम आ गया. अब आपने निकालना है जो वुडन मटेरियल है ना उसका वॉल्यूम, वुडन मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है. मतलब जो पेंसिल है, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है उसको रिमूव कर दो. मतलब ये जो वुडन मटेरियल साइड पे है ना, इसका वॉल्यूम निकालना. क्या करेंगे, ये नहीं चाहिए, ग्रेफाइट नहीं चाहिए. आउटर वॉल्यूम माइनस इनर, इनर वॉल्यूम तो आप निकाल ही चुके हो. वॉल्यूम ऑफ, अब इसके दो मेथड है, या तो आप पहले पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकाल लो और इसको माइनस कर दो, या सेकेंड वे है आउटर माइनस इनर, ऐसे कर सकते. ठीक है, हाइट सेम है, पाई सेम है, कॉमन आ जाएगा, पाई और एच सेम है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 22/7, हाइट इज 140, रेडियस इज, इसका रेडियस कितना आएगा, 7, कैपिटल आर कितना आएगा, 7/2 सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर ही है ना, ठीक है, 7/2 माइनस 1/2. ठीक है, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार दोनों को प्लस कर दो, 1, एंड नेक्स्ट टाइम यू विल सबट्रैक्ट.
एंड दिस विल बिकम 2440 आ गया. ठीक है, प्लस करके 8/2 हो गया 4, माइनस करके 6/2 हो गया, दैट इज 3. मल्टीप्लाई कर दो इसको. चेक करना आंसर, मल्टीप्लाई गलत है. आंसर आंसर है निशान. तो कहाँ पे है, कौन सा क्वेश्चन है? आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो. ये भी ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है कि ऐसे करना है या किस में छोड़ना है. ऐसे भी कर सकते हो, अगर करना, अगर डिवाइड करना हो मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, स्मॉलर से लार्जर यूनिट में जाना है, डिवाइड करेंगे 10 10 10 से. क्यों? क्योंकि क्यूब है, तीन बार 5. इसको भी कर सकते हो 0.11. ठीक है, 100 इज ऑल्सो प्रेजेंट. किस चीज की प्रैक्टिस चल रही है? पता नहीं, आप बता रहे हो, मुझे तो खुद नहीं पता. आपको पता नहीं कहाँ से न्यूज मिल जाती. हाँ जी, लिखो, राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 8 है. ए पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर. जिस कंटेनर में सूप दे रहे हैं ना, हेमिस्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल बाउल है, उसका डायमीटर दिया हुआ है. डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस आ गया. इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर. बाउल की लेंथ तो जितनी मर्जी हो सकती है, बट सूप की हाइट कितनी है? 4. तो एच कितना आ जाएगा? 4. मतलब आप समझ रहे हो एक बात, एक एम्प्टी बाउल है, पहले उसके अंदर सूप पोर किया तो उसकी हाइट बन गई. मतलब ये सिलेंड्रिकल है और जो इसमें सूप है ना वो यहां तक है. ठीक है, इसकी हाइट है 4, रेडियस है 7/2. तो ये एक बड़े सिलेंडर के अंदर एक छोटा सिलेंडर और बन गया. आप बात समझ रही हो? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे? मैं भी समझा रही हूँ. जब एक लिक्विड, एक किसी कंटेनर में लिक्विड डालते हैं ना, तो बड़े वाले कंटेनर मतलब सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर बन जाता है. बात समझ आई? एक सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर बन जाता है, जिसकी इसकी हाइट तो पूरी है, लेकिन इसकी हाइट एच है, दैट इज 4. ठीक है, अब आपको क्या कहता है? हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर टू सर्व 250 पेशेंट्स. मतलब इतना सूप अगर एक पेशेंट को देना है तो 250 पेशेंट्स के लिए कितना सूप प्रिपेयर करना है, उसकी क्वांटिटी बतानी है. पहले एक का वॉल्यूम निकाल लो 250 से मल्टीप्लाई. अब ये छोटे वाला सिलेंडर जो बन रहा है ना, इसका वॉल्यूम निकालना है. मतलब वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर वन पेशेंट निकालना है आपने. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन कंटेनर पाई आर स्क्वेयर एच. 22/7, रेडियस इज, हाइट इज, ये 2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 154. नाउ वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट्स. हाँ जी, कर लेंगे लीटर में. जब भी लिक्विड फाइंड करते हैं तो लीटर में कर लेना. बाद में करते हैं चेंज, अभी रुक तो जाओ. वॉल्यूम ऑफ
suit for 250 patients, 154 into 250 सेंटीमीटर क्यूब. अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है. अब इसको चेंज करना है लीटर में, क्या करेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई, इससे इसमें जाना है ना, तो 1000 से डिवाइड, इसको कर लो मल्टीप्लाई, क्या आएगा 385. इसको 1000 से डिवाइड कर लो. जब आप इसको 1000, एक स्टेप और लिख लेते हैं, जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा, लीटर. 3.38.5 लीटर. ये 38.5 लीटर सूप जो है वहां पर डेली प्रिपेयर होता है, ठीक है. एक्सरसाइज कंप्लीट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू एक्सरसाइज दैट इज रिलेटेड टू कोन. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 pi r² एंड द रिलेशनशिप ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वेयर एच. इफ यू मेक 1/3 ऑफ दैट देन यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ कोन. और अगर वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना हो, तो उसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा. पूछ सकता है आपसे कोई, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है उसको 3 से डिवाइड कर दो, कोन का आ जाएगा. कोन का दिया उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा. ये एक्टिविटी है, बताया था मैंने आपको पहले. अगर कोन कोन को 3 बार सैंड से फिल करके सेम हाइट के सिलेंडर में डालते हो ना, तो 3 बार में वो फिल हो जाएगा, ठीक है. इसलिए वो उसका वॉल्यूम जो है उसका 1/3 होता है. एक्सरसाइज 13.7 क्वेश्चन नंबर 1. यस, रीड आउट द क्वेश्चन. बोलो बोलो हैविश, रीड करो क्वेश्चन जरा. आवाज ही नहीं आ रही. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन हूज रेडियस इज एंड हाइट इज. वॉल्यूम ऑफ कोन यू हैव टू गेट. शब्द क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, अभी पहले सुना नहीं था आपने, 1/3 pi r² h. pi इज 22/7, रेडियस इज 6 × 6, हाइट इज 7. टू सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क. आप देखो ना इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कितने हो गए, क्यूब हो गए. या एक और मेथड है लर्न करने का, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. बेस का एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर. हाइट की क्या होती है, सेंटीमीटर. तो मिला के सेंटीमीटर क्यूब नहीं बन गई, क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर. क्या मतलब है जगनूर इसका, कैपेसिटी इन लीटर्स फाइंड करनी है. कैपेसिटी का क्या मीनिंग होता है, मत कर हैविश, मत बोल मत बोल. ये फ्रेंडशिप बाद में दिखाना, ये उसका लॉस कर रहे हो, फ्रेंडशिप थोड़ी है ये. ये चाहता है पढ़ो ही ना, सच में बता रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, और क्या कर रहा है. मैंने तो सुना है मुंह नीचे करके उसने बोला है, पहले ही पता था ये बताएगा, हैबिट है ना उसकी. क्या होता है जपरी, वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, कैपेसिटी लीटर में फाइंड करनी है. वॉल्यूम का फॉर्मूला ही बोल दो, चलो कोन का. म्यूट क्यों हो गए, क्या हुआ,
वन बाय थ्री पाई, रेडियस इज सेवन, स्लांट हाइट की सिंबल क्या होती है, एल। अब इसमें चाहिए क्या आपको, आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, बट चाहिए एच। फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच। एल कितना है 25, आर कितना है 7, 25 का स्क्वेयर 625, 7 स्क्वेयर 49। ये इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, कितना आएगा 576 H स्क्वेयर। H इज इक्वल टू अंडर रूट 576, H इज इक्वल टू 20। हाइट आ गई, बाद में लगा दो। अब वॉल्यूम फाइंड करना है, बोलो जगनूर क्या आएगा, यहाँ क्या लिखे, हाँ जी कटिंग भी बोलो, हाँ जी 3 क्या बच गया, 22 इंटू 7 इंटू, करो इसे मल्टीप्लाई, 7 2 14, 7 2 14 प्लस 1 15 इंटू 8 8 4 32, 8 5 40 प्लस 3 43, 8 1 8 प्लस 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। सिट डाउन, ऐसे आप खड़े होके ठीक आंसर देते हो, आगे से कोशिश करेंगे आप पूरे पीरियड ऐसे ही रहो। कहाँ थे, हाँ जी लीटर में चेंज करना है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। वन पॉइंट टू थ्री टू लीटर, इससे इसमें जाना है ना डिवाइड, इधर से इससे जाते हैं तो मल्टीप्लाई। इनमें से बड़ा कौन है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के इक्वल है, तो लीटर बड़ा है, क्योंकि कहता है ऐसे 1000 मतलब कि सेंटीमीटर को 3 बार लिए तब जाके 1 लीटर बना है, तो 1 लीटर बड़ा है ना, आप समझ रहे हो। 1 लीटर कब फॉर्म हुआ है, जब 3 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब लीटर जो है वो बड़ा है। इक्वल मतलब 1000 सेंटीमीटर अब इक्वल है ना, वैसे इसको छोड़ दो, इसको वैसे देखा जाए रिलेशन को, तो मतलब कि 1 लीटर में सेंटीमीटर क्यूब आ रहे हैं, इसका मतलब सेंटीमीटर 3 बार लिए तब जाके 1 लीटर बना है, मतलब 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 3 बार लेके 1 लीटर बना है, इसका मतलब छोटे से बड़े में जा रहे हो तो डिवाइड, ठीक है। वैसे जनरली पूछा है आपसे कि दोनों में से कौन बड़ा है, तो लीटर बड़ा है, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, वहां कौन बड़ा है, नहीं उल्टा है ना, देखो रिलेशन उल्टा है, यहाँ पे इस लीटर बड़ा है वहां मीटर बड़ा होगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वल है, मतलब 1 लीटर नहीं 1000 लीटर लेते हो तब जाके 1 मीटर क्यूब बनता है, क्यूब है समझे नहीं भाई, मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, पूरे की बात कर रहे हैं, पूरे की, तो इन दोनों में देखा जाए तो 3 बार ये लिया है ना, ये बन रहा है, इसका मतलब लीटर वाला बड़ा है, और वहां पे 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल है, इसको छोड़ दो, तो ये 3 बार है ना, मतलब कि ये एक चीज है, ये 1000 बार लेनी पड़ी, तो ये बड़ा है, ठीक है। हाँ जी थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन इज योर होमवर्क, फोर्थ स्टार्ट करो, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है रफ पे, थर्ड क्वेश्चन यू विल डू इन द रफ एंड इवन पार्ट्स यू विल डू इन द फेयर ओनली. फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर फोर भी होमवर्क है और थर्ड यू विल डू इन द रफ. क्वेश्चन नंबर फोर, वन का सेकंड पार्ट, सेकंड का भी सेकंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर फोर, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब. ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज हाइट इज दिस, इज दिस मतलब ये इसका वॉल्यूम है, उस कोन का वॉल्यूम है जिसकी हाइट 9 है, ये वॉल्यूम दे रखा है. व्हाट यू हैव टू फाइंड इज यू हैव टू फाइंड द, यस, दोज हु हैव नॉट कलेक्टेड देयर लाइब्रेरी कार्ड्स कलेक्टेड टुडे पॉजिटिवली. यस, द स्टूडेंट्स हु आर इन द ऑनलाइन क्लास ऑल्सो दे हैव टू कलेक्ट देयर लाइब्रेरी कार्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी. ठीक है, जिन्होंने नहीं लिए कलेक्ट कर लो. हाँ जी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम, 1/3 इज इक्वल टू 48 पाई. ठीक है, पाई कैंसिल विद पाई, आर स्क्वेयर एच, 3 इज डिवाइडिंग हियर, इट विल बिकम मल्टीप्लाई एंड हाइट इज गिवन, हाइट इज 9, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 48 × 3/3 आ गया, क्या आएगा, इसको डिवाइड करके क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 4 नहीं, क्या आएगा, आर इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट है ना, प्लस 4 का स्क्वेयर भी 16 होता है, माइनस 4 का स्क्वेयर भी 16 होता है, बट रेडियस कांट बी नेगेटिव, सो दिस इंप्लाइज रेडियस इज इक्वल टू 4. ये नहीं लिखते ना हाफ मार्क्स कटेगा. हाँ जी, तभी तो लिखवाया है, लिखना है तभी लिखवाया है, जब स्क्वेयर रूट में से कोई चीज बाहर आती है. पिछले में भी लिखना चाहिए था, ये आया था ना प्लस माइनस, तो हाइट कांट बी नेगेटिव. चेक कर लिए दिव्या, रेडियस सॉरी हाइट इज प्लस माइनस 24, हाइट कांट बी नेगेटिव, सो यू विल टेक पॉजिटिव वैल्यू. रेडियस यू हैव गॉट, डायमीटर यू हैव टू फाइंड. ये जयदेव, क्या आएगा डायमीटर, 8 सेंटीमीटर. ठीक है, क्या बोला था इसने, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन टिल Tuesday we will be able to complete this chapter. हाँ जी, आपका टेस्ट जो है वो कौन से डे के होता है, ट्यूजडे, ट्यूजडे को हाफ चैप्टर का टेस्ट होगा. मैंने नहीं लिया था ना हाफ, मैं लास्ट वीक नहीं थी, जो पेंडिंग है उसका टेस्ट होगा. ठीक है, आप पूरा प्रिपेयर करने की कोशिश करना, हम टेस्ट लेंगे 13.7 तक, 13.7 तक का टेस्ट होगा. पहले 3 एक्सरसाइज का होना था, 4 का नहीं हुआ था आपका,